हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में पेन और पेन की स्याही कैसे बनती है। हालांकि आप पेन बनाने का बिजनेस अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन फैक्ट्री में पेन कैसे बनता है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आइए जानते हैं कि फैक्ट्री में पेन और पेन का इंक कैसे बनता है। सबसे पहले तो पेन की बॉडी बनाई जाती है, जैसे कि कैप, बॉडी और खाली रिफिल। ये सभी सामान बनाने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन को पॉलीमर का इस्तेमाल होता है, यानी कि प्लास्टिक और कुछ ज़रूरी पदार्थ इस मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। पेन की बॉडी को रंग देने के लिए इसमें अलग तरह के रंग भी डाले जाते हैं, जहाँ पर ये मिक्सिंग मशीन इन सारे मिश्रण को डाले गए पदार्थ को अच्छी तरीके से मिलाती है। पदार्थ के अच्छी तरीके से मिल जाने के बाद मिले हुए मिश्रण को यही मशीन दूसरी मशीन की ओर भेजती है, जहाँ पर ये दूसरी मशीन यह सारे मिश्रण को बहुत तेज़ गर्म करके इसे पिघलाकर इसको पेन का आकार देकर बाहर निकालती है, जिसमें पेन बनाने के साँचे अलग से लगे हुए होते हैं जो इसको पेन का शक्ल दे देते हैं। अब बारी आती है पेन की निब बनाने की। पेन की निब एल्युमिनियम की बनी हुई होती है। पेन की निब बनाने के लिए सबसे पहले एल्युमिनियम की बिल्कुल सी पतली सी पाइप के कई टुकड़े बनाए जाते हैं। इसी छोटी से पाइप से यह टुकड़े अब इस छोटे से पाइपों के टुकड़े के सबसे आगे के हिस्से को थोड़ा सा दबाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर छोटी सी एल्युमिनियम की बॉल डाली जाती है ताकि नीब स्मूथ चले और इसकी एल्युमिनियम की नीब पेपर पर रगड़ ना खाए। एल्युमिनियम की छोटी सी बॉल नीब के आगे लगी होने से सिर्फ अंदर की बॉल ही घूमती है, जिससे पेन को कागज़ के ऊपर आसानी से चलाया जा सकता है। इसके बाद यही नीब दूसरी मशीन के पास चली जाती है और दूसरी मशीन इसकी नीब में छोटी सी एल्युमिनियम की बॉल डालती है और नीब में थोड़ा सा दाब देकर इसे बाहर निकालने से रोकने के लिए दाब देती है। नीब के बन जाने के बाद यह नीब पॉलिशिंग मशीन में जाती है, जहाँ पर पॉलिशिंग मशीन जो नीब के बाहरी हिस्से को पॉलिश कर देती है ताकि नीब पेपर पर रगड़ खाकर नहीं बल्कि स्मूथ चले। जितना स्मूथ नीब चलेगा उतना ही पेन स्मूथ चलेगा, जिससे हाथों पर जोर कम लगेगा और लिखने की स्पीड भी तेज होगी। इनकी बॉडी रिफिल और निब बन जाने के बाद फैक्ट्री में एक और मशीन होती है जो पेन के लिए स्याही बनाने का काम करती है। स्याही बनाने के लिए कुछ पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, जैसे कि सॉल्वेंट्स, पिगमेंट्स, डाई रेजिन, लुब्रिकेंट्स, सॉल्युबिलाइजर, सर्फेक्टेंट, पर्टिकुलेट मैटर, फ्लोरेसेंट। अगर पेन की स्याही में ये सब पदार्थ ना डाले जाए तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। वो कैसे ये आप खुद ही देखिए। अरे ये बाद में पिलाना बाबा। तो बाबा बड़ा भी तो एक जीरो बड़ा एक और बाबा लास्ट पर लास्ट। इसके बाद स्याही को थोड़ा सा खुशबूदार बनाने के लिए और रंग बदलने के लिए इसमें और भी कुछ केमिकल को मिलाया जाता है। इस मिश्रण को अच्छी तरीके से घोल लिया जाता है, जिसके बाद गाढ़ा लिक्विड तैयार हो जाता है, जिसको हम स्याही कहते हैं। अब बारी आती है स्याही को रिफिल में भरने की। स्याही पाइप के जरिए दूसरी मशीन में जाती है, जहाँ और दूसरी मशीन के नीचे छोटी सी कई बहुत सारी पाइपें लगी होती है जो रिफिल में स्याही भरने का काम करती है। रिफिल में स्याही भर जाने के बाद रिफिल आगे बढ़ जाता है। उसके बाद रिफिल में डाला जाता है सिलिकॉन जेल, जो कि रिफिल में सबसे ऊपर डाला जाता है ताकि पेन में से स्याही बाहर ना निकल पाए और पेन लीक ना हो। ऐसा पहले अक्सर हुआ करता था, लेकिन ये प्रॉब्लम अब दूर हो चुके हैं। हालाँकि तकरीबन 2 रुपये के पेन में सिलिकॉन जेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिलिकॉन जेल जो मशीन की टंकी में भरी होती है वह एक साथ कई रिफिलों को इस सिलिकॉन जेल से भर देती है। अब इन सब बॉडी पार्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको
अब जोड़ने की बारी आती है। सभी पार्ट्स के जुड़ जाने के बाद सभी पार्ट्स आगे और मशीन के पास चले जाते हैं, जहाँ पर ये मशीन पेन के सभी बॉडी पार्ट्स को जोड़कर पेन की शक्ल दे देती है। और बाद में होती है इन पेन की टेस्टिंग। अब टेस्ट होने के बाद पेन के ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग करना यानी कंपनी का नाम लिखना होता है। अब पेन पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। पेन के बन जाने के बाद पेन अब दूसरी मशीन के पास जाता है, जहाँ पर ये मशीन सारे पेन को एकत्रित कर उसे बड़े से बॉक्स में पैक कर जाती है। इस मशीन का काम होता है पेन को डब्बे में पैक करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फैक्ट्री में पेन बनाते समय काफ़ी कुछ पदार्थ बच जाते हैं, जिसे दोबारा से रिसाइकल कर लिया जाता है, यानी कि इनको दोबारा से पेन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार फैक्ट्री में पेन बनकर तैयार होता है।